अभी तक आपने हमारा चैनल डी एल एक्स नाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। ताज़ा वीडियो का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हर्बल शैम्पू बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। आपको निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सूखा आंवला 10 ग्राम, सिक्का काई 10 ग्राम, बीज निकाला हुआ रीठा 10 ग्राम, एलोवेरा का गुद्दा 10 ग्राम, मेथी का दाना 10 ग्राम, अब हम एक बड़ा सा मग लेंगे, फिर उसमें बीज निकाला हुआ रीठा डालेंगे। रीठा डालने के बाद से सिक्का काई डालेंगे, फिर सूखा आंवला और उसके बाद से मेथी का दाना डालेंगे, उसके बाद से एलोवेरा मिलाएंगे। जब पांचों वस्तुएं मग में डाल दिए जाए तो उसमें 250 ml पानी डालिए। ढाई सौ एम एल पानी डालने के बाद से रात भर इसे भिगो कर रख दीजिए। ध्यान रहे, इसे भिगोने के लिए पूरे रात भर का समय चाहिए। सुबह हम सभी वस्तुओं को पानी सहित किसी एक बर्तन में गिराएंगे। इस बर्तन में गिराने के बाद इसे 15 मिनट तक मीडियम आंच पर उबालें। कुछ देर बाद जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए उबालने के बाद से, तो इसमें से सभी रचकों को अलग करके पानी किसी पात्र में गिरा लें। कुछ देर बाद पानी हल्का सा गाढ़ा बन जाएगा। आपका हर्बल शैम्पू तैयार है। अब आप इसे झड़ते बालों और कमजोर बालों के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।